सूरदास बचपन से अंधे थे सर, जन्मजात अंधे थे। अगर आप कभी सूरदास को पढ़ें तो उन्होंने लाखों छंद और किताबें लिखी, आपको जान के हैरानी हो जाएगी कि जन्मजात अंधे थे, दिखता नहीं था बचपन। तो घर वालों ने निकाल दिया था, घर वालों ने निकाल दिया, एक पीपल के पेड़ के नीचे रहने लगे और भगवान कृष्ण में भक्ति थी तो गाना वाना गाते थे, उनके भजन वजन गाते थे। तो मथुरा आगरा हाईवे के ऊपर मंदिर है बहुत सारे, अगर आप कभी गए हो तो, है ना। हैव यू एवर बीन टू दोज टेम्पल्स, मथुरा आगरा हाईवे, है ना। वहाँ कृष्ण जी के बहुत सारे मंदिर हैं, वहाँ पर गुलाब के फूलों की माला मिलती है, जहाँ आपने देखे होंगे, है ना। हैव यू एवर बीन, आप में से कोई गया है ना, गए हैं ना आप लोग। तो वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहते थे और वहाँ भजन गाते थे। तो किसी गुरु ने उनको बोला कि तू मंदिर जा वहाँ गा, तो उसने बोला ठीक है, तो चला जाता था मंदिर में, भगवान कृष्ण के भजन गाता था, मस्त गाता था। ना दिखता था, ना भगवान को कभी देखा था, लेकिन कल्पना के अंदर। और इतिहासकार ये बोलते हैं कि 1520 शताब्दी में इनका जन्म हुआ, 1535 के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आज से 500-600 वर्ष पहले ये इस धरती पे आए, मथुरा में रहे और भगवान के भजन गाते थे। और इतिहासकार ये कहते हैं कि इनको भगवान के दर्शन होते थे, भगवान कृष्ण जब ये भजन गाते थे इनका भजन सुनने के लिए आते थे। कितना सच है कितना झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन आई बिलीव, मैं किसी चीज को नकारता नहीं हूं, जो बात है कहीं ना कहीं हुई होगी शायद। और एक घटना ऐसी हुई इनके जीवन के अंदर कि जिसमें उथल पुथल मचा दी बहुत लोगों के जीवन के अंदर, कि जब ये मंदिर में जाते थे तो मंदिर में इनको नजर नहीं आता था। तो जब वो भगवान का श्रृंगार होता है हर सुबह, तो ये पंडित को, जो वहां का पुरोहित था, उसको बोलते थे कि ये पीले रंग के कपड़े अच्छे नहीं लग रहे भगवान पे। तो पंडित वॉज शॉक्ड, हाउ इट इज पॉसिबल फॉर अ ब्लाइंड मैन टू सी। उसने बोला ये पीला रंग अच्छा नहीं। तो उसने बोला कि तुझको कैसे दिखाई दिया? उसने बोला मुझे सब दिखता है, आंखों से नहीं दिखता तो क्या, मन से तो दिखता हूं, रोज मिलता है मेरे को। तो ही वाज सरप्राइज्ड, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। तो अगले दिन फिर श्रृंगार होता था, बोलता हाँ हाँ हाँ, ये हरे रंग का कपड़ा क्या जचता है भगवान। तो ये लोग पागल हो गए। पंडित को एक दिन मस्करी सूची, उसने कहा कुछ ना कुछ षड्यंत्र है, आज भगवान को कपड़े ही मत पहनाओ, पत्तों से ढक दो बस खाली, पत्तों से ढक दो। तो जब पत्तों से ढक के श्रृंगार हुआ और पर्दे हटाए तो सूरदास वहां गा रहे थे और गाते गाते बोले भगवान भी गरीब हो गए आज, पत्तों में आए। तो एवरीबॉडी वाज शॉक्ड कि हाउ इट इज पॉसिबल फॉर अ ब्लाइंड मैन टू सी। लेकिन असंभव, मैं फिर कहता हूं दोस्तों आप, मन की शक्ति से ना सर भगवान तक को पाया जा सकता है। कोई भी हैंडीकैपनेस आपके आगे नहीं आती अगर मन से साला आप सॉलिड हैं तो यार। और आप तो समृद्ध हैं यार, पूरे तरीके से ठीक हैं, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है। एक आदमी ने कहा मैं बहुत गरीब हूं, तो मैंने कहा एक आंख निकाल दे, दे 50 लाख देता हूं। तो उसने बोला कैसी बातें करते हो, मैंने कहा गरीब है, गरीबी दूर करते हैं, और दोनों दे दे तो 1 करोड़ का सौदा हो जाए। उसने बोला नहीं सर ये कैसे पॉसिबल है। तो मैंने कहा चल दोनों हाथ भी दे, 5 करोड़ और ले दे। तू तो कह रहा गरीब हूं, तेरी गरीबी मिटाता हूं। कह रहा ऐसे तो मैं बहुत अमीर हूं। तो मैंने कहा मैं भी तो तुझे बता रहा हूं कि तू बहुत अमीर है यार, तू क्यों ऐसा सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं है। और भगवान ने सूरदास को दर्शन किए। आप सूरदास के बारे में पढ़े, छंद पढ़े तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुएं में नहाते नहाते गिर गए कहते हैं एक दफा, जब कुएं में नहाते हुए गिरे, अंधे थे, नजर नहीं आता था, तो पानी में गिर गए। तो भगवान को हाथ जोड़े कि निकालो प्रभु, तो कहते हैं कि भगवान छोटे से रूप लेके उनको बाहर निकालने आए। और जब बाहर निकाला तो इनके जीवन की अद्भुत घटना है। तो हाथ पकड़ा हुआ था भगवान, तो उन्होंने जैसे ही वो हाथ का स्पर्श किया, इनको समझ में आ गया कि आज आदमी आ गया है, जो अब तक सिर्फ ख्वाब में दिखता था वो आज आ गया। तो उसने कस के पकड़ लिया, वो समझ में आ गया कि आज हाथ मौका लगाया, आज मत छोड़। तो कहते हैं भगवान ने झटके से हाथ छुड़ा दिया। तो सूरदास का एक बहुत बेहतर दोहा है सर, अपने साथ लेके जाना, खतरनाक दोहा है। हाथ छुड़ाए जात हो निर्मल जान के मोहे, हृदय से जब जाओ तब सबल जानूंगा तोहे, है ना। हाथ छुड़ा के तो जा सकते हो, है ना, आज मैं कमजोर हूं तो हाथ को झटक सकते हो, लेकिन दिल से निकल जाओ तब मानूंगा कि कुछ हो।